बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, बेटा जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है देख लीजिए ध्यान से, जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है उनके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये है बेटा यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी की मैं नाम कुछ बता देता हूँ, आप बरेली यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, बनारस यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, स्टेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, या फिर आप बीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है ना, अयोध्या यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, समझ रहे ना। यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे ये सबके लिए कैसे इंपोर्टेंट है? आप एक बात खुद समझते हैं और खुद यार इतना तो जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कैसे जानोगे? आप इंटेलिजेंट है मुझे पता है, अब कैसे जानोगे कि आपको वही क्वेश्चन में आएंगे? देखो आप अपने गैस पेपर क्वेश्चन बैंक नोट्स कुछ है आपके पास? होगा, बिल्कुल होगा ना। आप उसको ओपन करिएगा, उसको क्या करना बेटा, ओपन करो, जो भी सीरीज वगैरह मार्केट से लेके आए उसको ओपन करना है, और जो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन को देखना है, टिक लगा लेना है। और यदि आपको ये लगता है, ये लगेगा ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके, क्योंकि सिलेबस यूपी यूनिवर्सिटी का सभी का एक जैसा है, बस यूनिट को फर्स्ट का थर्ड कर रखा है, थर्ड को सेकंड कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे, आप टिक लगाएंगे ऐसे करके। अब जब आप टिक लगाओगे ना अपने सीरीज में, जो गैस पेपर क्वेश्चन बैंक मार्केट से लेके आए हो छोटे छोटे, आपको लगेगा कि हाँ यार सब क्वेश्चन तो उसमें मिल रहा है, तो यार आप भी किसके भरोसे आते हो, किसके भरोसे पढ़ते हो बताओ? छोटे छोटे गैस पेपर जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में आते हैं, सीरीज आती हैं, उनके भरोसे तो रहते हो आप, और किसी के भरोसे रहते हो नहीं? अभी यही क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ये सीरीज में आपके मिलेंगे, और सीरीज में कम से कम कितने क्वेश्चन होते हैं यार? कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन होते हैं ना, और वही मैं आपको 17 से 18 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सीरीज में ही टिक लगा लेना है वही क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन याद करके आप लाने वाले हैं 2022 में 85% प्लस। जी हाँ, 2022 के एग्जाम में 85% प्लस लाने वाले हैं। मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना, एग्रीमेंट भी कराओगे ना तो भी कर सकता हूँ, 85% प्लस पक्का। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के अंदर तो है नहीं ये। मध्य प्रदेश में भी सिलेबस मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, और कहूँ बिहार के छात्र हैं वो भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन मिलते हैं, कोई अलग से नहीं है यार, ठीक है ना, समझो मेरी बात को। अब देखो क्या क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला क्वेश्चन को टिक लगाओ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बीबीटी के नाम से भी जानते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस तरीके से आपसे पूछेगा। इसकी लिमिटेशन मतलब कि सीमाएं, सीमाओं के बारे में वर्णन करो, क्या करो बेटा, सीमाओं के बारे में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसका सीमाएं। एक आपसे ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना, एल एस युग्मन, हिंदी में युग्मन होगा, इंग्लिश में होगा क्लूपिंग, एल एस क्लूपिंग के बारे में वर्णन करो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और 100% ये छपेगा पेपर में, देख लेना, विश्वास करो मेरा, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो यार, तुम खुद इंटेलिजेंट हो, खुद सोच, इतने थर्ड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर से लेकर एग्जाम देते थे, फर्स्ट ईयर में दिया, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में दिया, यार कुछ तो सीख लो, कुछ तो अपने आप में है, आपको अनुभव होगा पेपर देते देते क्या होता है ना। जैसे कि मुझे भी हुआ था यार, मैं भी बीएससी फाइनल हो चुका है, एमएससी भी हो चुका है, तो मुझे अनुभव है ना कि मैं क्या हूं और कैसे क्वेश्चन एग्जामर पूछता है, सिलेबस क्या है, समझ रहे ना, तो उस तरीके से भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि जब हम जिस रास्ते से गुजरते हैं ना उस रास्ते के बारे में आपको सब पता चल जाता है कि वो कितने गड्ढे थे, कि वो रास्ता खराब है, इस रास्ता को छोड़ो, कोई और शॉर्टकट पकड़ लो, समझ रहे ना, तो वही शॉर्टकट तुम्हें अब पकड़नी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके गैस पेपर मिलेंगे, सीरीज में मिलेंगे, आपको वो पढ़ना है शॉर्टकट वाला, वो बताए वो गड्ढे गड्ढे वाला रास्ता है, कैसे आप कहोगे, कुछ क्वेश्चन उसमें से आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो आप जो आएंगे ना तो वो तो आपका सही रास्ता हो गया, सिंपल रास्ता, उस पर बहुत हैवी तरीके से आप अपनी गाड़ी को दौड़ा पाओगे, लेकिन जिसमें जो नहीं आए ना उसमें गड्ढे, समझ लो वो गड्ढे हैं, हिलोगे उसमें, ठीक है ना, तो आप उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाओगे, स्पीड आपको वो पकड़नी है जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ रहे ना, तो स्पीड आपको शुरू से लेकर एंड तक यही होनी चाहिए और लास्ट तक बनी रहेगी, क्योंकि आपको जब वही पढ़ के जाओगे जो पेपर में आएगा तो स्पीड कैसी होगी, समझ लो,
जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन को टिक लगा लो बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT के नाम से जानते हैं, क्या होता है CFT, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये छप रहा है। उसके बाद में है संकुल यौगिक के रंगों की व्याख्या, संकुल यौगिक के रंगों की व्याख्या, हो सके ये क्वेश्चन पढ़ लेना, और यदि गैस पेपर में ना हो तो छोड़ देना। मैं बोल रहा हूं हो सके आपके आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन हो तो पढ़ लेना, और ना हो तो मत पढ़ना, ठीक है। इसको मैं बस क्रॉस पे सीधे लगा दिया। बाकी ये जो तीन आप देख रहे हैं इनको आपको रटना है, क्योंकि ये मोस्ट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लेना। चलो उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ, इस क्वेश्चन को टिक लगाओ बेटा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि, कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि आप इसको पढ़ेंगे, कार्बन धात्विक यौगिक बनाने की विधि ये भी आप देखेंगे, कार्बन धात्विक को कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि, और आप ये देखेंगे कार्बोलिन्स क्या होते हैं, ये कार्बोलिन्स देख रहे हैं आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। न्यूक्लिक ये है, देखो न्यूटन इलेक्ट्रॉन यौगिक, इसको छोड़ देना है, और इसको देखिए निकॉन टेट्रा कार्बोनिक, हो सके तो इसको पढ़ लेना, Ni ब्रेकेट में CO4, ठीक है, इसको पढ़ लेना, हो सके तो इसका वर्णन करने के लिए बोलता है, बनाने की विधि पूछ लेता है, हो तो पढ़ लेना, ना हो तो मत पढ़ना, खत्म करो, समझ रहे ना। यदि आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिले तो पढ़ लेना, ना हो तो मत पढ़ना। इसको देखो ये क्वेश्चन आपके बुक में 100% देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं नाभिक स्नायी अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नायी अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में छप रहा है, छप रहा है बेटा। इसको देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है देखो फास्फोजिन्स बनाने मतलब बनाने की विधि देखेंगे, उपयोग देखेंगे, गुण देखेंगे, फास्फोजिन किस तरीके से बनती है, बनाने के गुण प्रॉपर्टीज के बारे में आप याद करेंगे। उसके बाद में आता है विषम इलेक्ट्रॉन अणु, विषम इलेक्ट्रॉन अणु कौन से होते हैं, देखो विषम इलेक्ट्रॉन अणु कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु के बारे में याद करेंगे। उसके बाद में है चक्रण वर्ण नियम, देखो यहां है चक्र वर्ण नियम, इसको भी आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, चक्र वर्ण नियम के बारे में। उसके बाद में है क्यूरी ताप क्या होता है बेटा, क्यूरी ताप ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछेगा, क्यूरी टेम्परेचर। एक होता है नील टेम्परेचर, इसको भी आप पढ़ेंगे, नील टेम्परेचर ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, समझ रहे ना मेरी बात को। चलो उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जिसे कहते हैं MOT, MOT क्या होता है, इससे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या होता है CO2 और CO2, देखो ऑक्सीजन के बारे में इसका बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो, क्या भैया बॉन्ड ऑर्डर, इससे आपसे पूछेगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, वो भी विथ डायग्राम के सहित आपको बताएगा, विथ डायग्राम के सहायता से आपका इसको ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का पूछ लेगा, ये आपसे नाइट्रोजन का भी पूछ सकता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, इन तीन से ही पूछता है। यहां देखिए ये आपसे पूछ रहा है कार्बन धातु यौगिक पर टिप्पणी, टाइटेनियम के कार्बन धातु यौगिक पर टिप्पणी, मैं ऊपर बता चुका हूं, हो सके तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में छपेगा। इसको देखिए तितलीकरण क्या होते हैं, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, हाइस्ट्रेसिस के बारे में। उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, देखो आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। ये देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि HSAB, इस तरीके का HSB का वर्णन करो, इस तरीके से आएगा कि व्याख्या करो, ये आपसे इसका फुल फॉर्म होगा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, इसके बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। इसको देखिए ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रा केमिकल सीरीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज के बारे में आप याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है फेराइडे विधि से चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है, या फिर गाय विधि द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है, दो विधि आपसे पूछता है, फर्स्ट A और फर्स्ट 2, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन दोनों टाइप से भी बन सकता है, अथवा में या फिर एक पूछेगा, इनमें से पूछेगा जरूर, फेराइडे विधि से चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन कैसे करेंगे, या फिर गाय विधि से, जो भी आपके गैस पेपर में दे रखा हो इन दोनों विधि में से एक विधि याद कर लेना, जो भी विधि दे रखी हो और दोनों दे रखी है तो दोनों पढ़ के जाना है। सिलिकॉन के प्रकार, सिलिकॉन बनाने की विधि देखेंगे,
बनाने की विधि, ठीक है ना, उसके बाद में उसके प्रकार कितने टाइप होते हैं सिलिकॉन के वो आप पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद में नीचे जाइए और धातु कार्बन क्या होते हैं, धातु कार्बन के बारे में देखेंगे। धातु कार्बन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये है आयरन कार्बन के बनाने की विधि, ठीक है। आयरन कार्बन क्या होते हैं तो इनको आप पढ़ेंगे। धातु कार्बन सबसे ज्यादा आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की संरचना आपको याद करनी है, ये सारे क्वेश्चन। और जैसे ही आपका पेपर होता है तुरंत मुझे पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उस पर तुरंत सेंड करेंगे। इसको देखिए, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के नियम को 18 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नियम के अंतर्गत ही रखा गया है। और साथ ही साथ जो ई ए एन देख रहे हैं ना, ई ए एन जो हुआ है का नियम की व्याख्या करिए, जिसे इफेक्टिव एटमिक नंबर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटमिक नंबर, इसको पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखिए SN1 और SN2 में अंतर आपसे पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है चुंबकीय, देखो यहां बोला गया है चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आवित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आवित इलेक्ट्रॉन से कैसा होता है, भिन्न होता है, किस तरीके से ये भिन्न होता है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए बेटा एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये है अकार्बनिक रबड़ क्या होता है, अकार्बनिक रबड़ जानते हैं, अकार्बनिक रबड़ को पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक रबड़ जिसे बोलते हैं, ये है फास्फो नाइट्रिक हैलाइड्स, जो रेखी फास्फो, इसको हो सके आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन दे रखा, इसका वर्णन करो तो आप इसको पढ़ लेना, यदि ना हो तो छोड़ देना। ये है अम्ल वर्षा, ये तो 100% आपके बुक में लिखा होगा, इसको पढ़ के जाना है। विटामिन, जितने प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और आल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके बारे में। और एक कोई स्टूडेंट कह रहा था विटामिन एच नहीं होता, बेटा विटामिन एच भी होता है, आप एक बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इसको देखो, यह है आयोडीन, फास्फोरस, क्लोरीन और क्रोमोनियम, इन तीनों को परिभाषा पढ़ लेना, कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि, उपयोग, यूज के बारे में, ठीक है। इन चारों को एक साथ जब पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा। ये आपसे पूछ रहा है, देखो जैविक तंत्र में मैग्नीज के कार, मैग्नीशियम के कार देख लेना, हमारी बॉडी में जैविक तंत्र जो होता है उसमें मैग्नीज के क्या कार होते हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे। और लास्ट में देखो, ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपेंगे, 100% छपेंगे, देख लेना, 100% की बात कर रहा हूं, 100%। डी ब्रोगली समीकरण, सॉरी, जो डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, डी ब्रोगली तरंग समीकरण के बारे में देखेंगे। एटमिक ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एटमिक होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, दोनों प्रकार के, उसमें देखा ऑफ वाउ और पॉली का नियम आप पढ़ के जाएंगे। ऑफ वाउ यदि पॉली का नियम आपके गैस पेपर में दे रखा है तो पढ़ के जाएंगे। हुंड का रूल पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बॉन्ड एनर्जी इसके देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप अल्ट्रा और इंट्रा, दोनों को पढ़ के जाएंगे। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज विद मेटल, इसको छोड़ दीजिएगा। ये है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संकरण, क्या बोलते हैं बेटा, संकरण बोला जाता है, संकरण को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि SP1 संकरण, SP2 संकरण, SP3 संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसको आप पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आपका छपेगा। और लास्ट में ये वाला पढ़ लेना, जिसे कहते हैं DD संकरण, से DD संकरण बोलते हैं, ओके, इसको पढ़ेंगे। और लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय हो सके तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आपको पढ़ेंगे और आप लाएंगे 2022 के एग्जाम में 85% प्लस। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और दोस्तों को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलो और उनसे शेयर कर दो, और उनसे भी बोलो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भाई XYZ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।